साई हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641। ग्रामीण इलाकों में खुला प्रगतिशील बाल विद्यालय, लोगों में हर्ष का माहौल। त्रिवेणीगंज थलहा गढ़िया दक्षिण पंचायत के कुपरिया गांव वार्ड नंबर 1 में प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के तहत प्रगतिशील बाल विद्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता, समाज सेवी पप्पू भगत एवं समीम आलम एवं जिला कोऑर्डिनेटर ब्रह्मदेव सरदार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वह इस मौके पर निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता के द्वारा विद्यालय संचालन के लिए सेविका पद के लिए मीना कुमारी एवं सहायिका पद के लिए अंजू देवी को नियोजन पत्र देकर नियोजित किया गया। वह स्थानीय गणमान्य लोगों ने संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता सहित कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण से प्रेम का संदेश दिया। प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के द्वारा प्रगतिशील बाल विद्यालय का उद्घाटन कुपरिया गांव पंचायत थला गढ़िया दक्षिण में मीना कुमारी अंजू देवी को नियोजन पत्र दिया गया, और साथ ही साथ 20 बच्चों को जो कल से इनका शिक्षा के प्रति जागरूक और समाज के जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं हमारे केंद्र पे बच्चों को उपस्थित करवा के कुपोषित पोषा आहार मुफ्त मिलेगा। संस्था का उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा देना, जागरूक करना। बाल विवाह दहेज प्रताप पे काम करती है संस्था, पौधा लगाती है, पर्यावरण पे ज़्यादातर जागरूक करते हैं। ये प्रगतिशील विकास संस्थान जो है, इनके जो भी निदेशक या जो भी लोग इसमें कार्यरत हैं वो समाज के अंतिम व्यक्ति जो सबसे दवा कुचला है, उन बच्चों सबको शिक्षा और उनके लिए आगे के लिए सोच रही है कि ये बच्चा कुछ आगे बने। और इनका जो उद्देश्य सुने कि हरियाली पे वृक्षारोपण के लिए, ये तो बहुत ही अच्छा है। अभी सबसे ज़्यादा हरियाली पे सरकार के द्वारा भी देखा जा रहा है, और यदि ये एनजीओ प्रगतिशील विकास संस्थान देख रही है तो हमें लगता है कि ये आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी। और ये अभी माना चकला कुपड़िया है, यहाँ पे मंजू देवी और मीना कुमारी का चयन हुआ है। ये लोग 20 बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उनके लिए सारा कुछ प्रगतिशील बाल विकास संस्थान मुहैया कराएगी और अपने देख रेख में इनको आगे और वार्ड में भी इनका चयन होगा। और सभी लोग इसमें मिलजुल के सहयोग करें और एक दूसरे को मदद करें। बिना सहयोग और मदद के कोई भी संस्था नहीं चलती है, इसलिए हम लोग सभी आदमी एक दूसरे को सहयोग करें। इस प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के खुल जाने से यहाँ के गरीब महादलित परिवार के बच्चे को एक नई जीवन मिली है। कल से यहाँ शिक्षण कार्य शुरू होगा। इसमें एनजीओ के तरफ से जो इस तरह का प्रयास किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।